हम कैसे भी हो, दुनिया हमें अपनी नजर से देखती है और दुनिया हमारे बारे में कुछ भी सोचे, खुद को देखने का हमारा अलग आईना होता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी इन दो नजरियों के बीच संतुलन बना लेता है, मगर कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी जिंदगी इन दो नजरियों के बीच संतुलन ढूंढने में ही फंस कर रह जाते हैं। क्राइम पेट्रोल के आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ही केस की बात करेंगे जिसमें पुलिस को न सिर्फ अपराधी को पकड़ना था बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की एक नई चुनौती का सामना भी करना था, जिसमें अपराध और पीड़ित के बीच की लाइन ही धुंधली पड़ गई थी। मेरा नाम चंदू है सर, और मैंने मर्डर किया। अरे आप इतनी जल्दी रेडी हो गए? मैं बस आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। मुझे भूख नहीं है। बस दो मिनट दे दीजिए, हो जाएगा रेडी। मैंने कह दिया ना, एक बार भूख नहीं है मुझे। आपको याद है ना, आज मामा जी का एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, या फिर वो भी भूल गए? मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। एक काम करो, तुम और कीर्ति चले जाना। आपने ये बहाने मत बनाइए लेट आने के। आपको पता है कितना एम्बैरेसिंग फील होता है आपके बारे में झूठ बोलना, जबकि सबको पता होता है कि आप जानबूझकर कहीं नहीं जाते हो। वंदना, जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे पार्टी वार्टी में जाना पसंद नहीं है, तो बार बार क्यों पूछती हो? मुझे नहीं जाना है मतलब नहीं जाना। बाय कीर्ति बेटा। सुनिए तो मेरी बात। आपको पता है ना पापा कैसे हैं, फिर भी शुरू कर देते हो। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब वो भी हंसता था, नाचता था, गाता था, लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इस लड़की ने टेक्स्ट किया तुझे? 4-5 दिन हो गए। अबे यार, सारी ऐप्स ही डेटिंग वाली में फ्रॉड होती है। इसका पता क्या पड़ना है? देख, पहले लड़की टेक्स्ट करेगी, उसके बाद हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बात बनी? मतलब इस हिसाब से तो हमें कोई लड़की रिप्लाई करेगी नहीं। भाई तू अपनी ऐप बना ले जिसमें लड़के पहले टेक्स्ट कर सके। ऐप बनाने से पहले पीपीटी बनाने के बारे में क्या ख्याल है आप दोनों? कल रात को मेल करने वाले थे ना, मिला नहीं मुझे अभी तक। वो पीपीटी तो बन गया था सर। ओह गुड। एक्चुअली सर, वो घर पे इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। सो आई अंडरस्टैंड। भेजिए कि घर पे नेट की प्रॉब्लम थी तो ऑब्वियसली, और यहाँ ऑफिस में फ्री इंटरनेट मिला हुआ है और वहाँ तुम दोनों बैठ के मौज कर रहे हो, यही काम है तुम दोनों का, है ना? नहीं सर, हम बस करने ही वाले। शट अप, आई नो यू बोथ वेरी वेल। पर पीपीटी रेडी है राइट? यस सर। इफ आई डोंट गेट दैट पीपीटी इन 5 मिनट्स, आई एम टॉकिंग टू द एचआर, माइंड इट। वो एक आजाद पंछी था, ये नौकरी वगैरह करना कभी उसके लिए था ही नहीं, उसे तो हवा में उड़ना था, और वो उड़ा भी अपने सारे बंधनों को पीछे छोड़कर। वाओ यार, ये ड्रेस तुमने लिया है मेरे लिए? आई तो कांट बिलीव इट। मुझे तो लगता था कि लड़कों की पसंद इतनी भी अच्छी नहीं होती। उसके सपनों पर किसी और को यकीन हो या ना हो, उसे जरूर था, और यह बात उसने साबित करने की कोशिश भी की अपना पहला नॉवल लिखकर, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया।
अरे चलो ना यार, अरे चलो ना यार, अरे कोई नहीं देख रहा, चलो ना यार प्लीज, अरे आओ ना यार प्लीज। प्लीज मुझे नहीं करना ये सब। अरे चलो ना करते हैं। मुझे नहीं करना। ए, क्या कर रहा है? क्या है के बच्चे क्या कर रहा था इस लड़की के साथ? अरे अंकल तेरे को क्या जाकर अपना काम करना है? मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। जानती है तू इस आदमी को? जबरदस्ती कर रहा है ना तेरे साथ? देख घबरा मत, मैं हूँ यहाँ पे, अभी इसकी कंप्लेंट करता हूँ। डराया हुआ तूने इस लड़की को? ऐसे नहीं बोल रही है, मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तेरी। तुम लोगों का तो साला एरिया में आके लड़की की ना जबरदस्ती कर रहा है। क्या हुआ मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो आप? खून बह रहे हो और आप कह रहे हो ठीक हो? अरे तुम्हें आज किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना है क्या? अगर जाना तो जाके तैयार हो ना। सुशील तुम चाहते क्या हो? क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए कि तुम खुश हो जाओ? मॉम डैड क्या करते रहते हो आप लोग? हेलो मैम, आप भी पीछे प्लीज, सर को अपना काम करने दीजिए, पीछे पीछे। वर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आप में से किसी ने कुछ देखा? साहब वो बाइक वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था जब सुशील पलटा, बाइक वाला गोली मार के भाग गया। आपने कुछ देखा बाइक का नंबर या उसका कलर? सर काले रंग की बाइक थी, हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट की वजह से मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। ये तार तुमने काटी है? मुझे तो इस बिल्डिंग में आए हुए एक हफ्ता हुआ है बस, ये तो मुझे आपसे पता लगा इसकी तार कटी हुई है। तुमसे पहले यहाँ कौन गार्ड था? उसका नाम गुड्डू था। एड्रेस है उसका तुम्हारे पास? वो साहब मैं सेक्रेटरी साहब से लेके दे दूंगा आपको। ठीक है जी। ए, आज भी नहीं लाया पैसे? अरे चोरी चोरी आके सो गया कि बाप को नहीं पता चलेगा है? पापा मैंने कोशिश की थी, वो पुलिस खड़ी थी, मुझे मौका ही नहीं मिला पापा। ए हरामखोर, ये तेरा हर रोज का नाटक हो चुका है, कभी कोई आ गया कभी क्या हो गया, ऐसे नहीं तू सुधरेगा। बहुत दिन हो गए ना, तुझे मार नहीं ना पड़ी। मैं तेरे को मैं बताता हूँ कि क्या करना है। पापा सुनो पापा, नहीं पापा एक्सक्यूज मी सर, ये सर सुशील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है,
इसके हिसाब से सुशील की मौत देशी कट्टे से हुई है सर। मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा उसको। मान लो सुशील हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। खुद की गाड़ी नहीं थी, ऑफिस पास में ही था, इसलिए वो पैदल चल के जा रहा था। घर से थोड़ी दूर गया, पीछे से किलर बाइक पे आया, गोली मारी और सुशील मर गया। कितना सिंपल है ना? उतना सिंपल नहीं है। तुम्हें याद है दुकानदार ने क्या कहा था? दुकानदार ने बोला था कि सुशील घर से जा रहा था, थोड़ी दूर पर पहुंचा, बाइकर पीछे से आया, उसने एक बार नहीं बार बार हॉर्न बजाया और जैसे ही सुशील पलटा बाइकर ने गोली मारी और सुशील मर गया। यानी कि बात साफ है, किलर सुशील को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। उसने सुशील को वेरीफाई करने के लिए हॉर्न बजाया बार बार, जैसे ही सुशील ने पलट के देखा फौरन उसने गोली मारी और वो मर गया। यानी ये केस उतना सिंपल नहीं बल्कि सुपारी किलिंग का है। सर, अगर किलर सुशील को जानता ही नहीं था तो ये भी तो पॉसिबल है कि मे बी किलर ने सुशील की गलत पहचान करके किसी और की जगह सुशील को मार दिया। यही तो पता करना है वर्मा कि इस मे बी और मे बी नॉट के बीच में हुआ क्या था। वर्मा जी, मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्या आपके पति सुशील की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई ऐसा जो सुशील को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? है किसी पे शक आपको? सुशील को कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा? वो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता था, तो दुश्मनी किस बात की? वन्ना जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। जैसा कि आपने अभी बताया कि सुशील की किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो क्या आप लोगों के रिलेशंस में ऐसा कुछ या कभी आप लोगों में ऐसा कभी? आप मुझ पर शक कर रहे? नहीं, शक नहीं कर रहे, एक रूटीन में पूछताछ कर रहा हूँ, जैसा कि हम बाकी लोगों से करते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको बताने लायक हो या हमने आपसे छुपाया हो। सर, सोसाइटी में लोगों का बस चले तो एक दूसरे के बेडरूम में घुस जाएं गॉसिप के लिए। अगर ऐसे में कोई ऐसा आदमी है जो अपने काम से काम रखे तो अच्छी बात है ना सर? सर, अगर ऐसे आदमी के भी दुश्मन थे तो सोचने वाली बात होगी ना सर? ठीक है, कुछ और याद आए तो बताइएगा। श्योर सर, थैंक यू। चलो, कमाल है वर्मा, आजकल के दुनिया जहान में जहां लोग दोस्तों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, एक ये आदमी था, सोसाइटी में किसी से बात नहीं करता था, ना कोई दोस्त ना दुश्मन, रिश्तेदार तक ऐसे आदमी से दूर रहते थे। बताओ कैसे जी लेते हैं ऐसी जिंदगी ये लोग? वही तो सर, बिल्कुल रोबोटिक लाइफ, सब कुछ प्री डिसाइडेड, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। अब जो भी है, इस रोबोटिक लाइफ में कहीं तो कोई कमी रह गई थी, वरना ऐसे कोई किसी का मर्डर नहीं करता। यस सर, पर सर ये कमी ढूंढें कैसे? ये सुशील का कोई कनेक्शन भी तो नहीं था? बीवी और बेटी से तो था, वहीं से शुरू करते हैं। ये बीवी और बेटी, सुशील के साथ साथ इन दोनों का चिट्ठा निकालो। अक्सर ऐसे केसेस में घरवाले ही कल्प्रिट होते हैं। हाँ कमल, कुछ मिला? नहीं सर। आपके पति यहाँ स्टडी में टाइम बिताने के अलावा सबसे ज्यादा टाइम और कहाँ बिताते थे? सर, सुशील सीनियर एम्प्लॉय था हमारी कंपनी का, एकदम वर्कोहॉलिक, अपने काम से काम रखने वाला, फिर ऐसे आदमी की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है सर? सर, ये सुशील की चेयर है, ऑफिस से आने के बाद वो यहां आकर बैठता था।
क्या करते थे वो यहाँ बैठ? बाहर देखते थे आसमान की तरफ, या फिर अपनी डायरी पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। डायरी? हमें तो पूरे घर में कोई डायरी नहीं मिली। पता नहीं सर, मगर थी सुशील के पास ही एक डायरी। कीर्ति, ये क्या कर रहे हो तुम? ये डैडी की पर्सनल डायरी है, तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर डैड, आपने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है, आप इसे पब्लिश क्यों नहीं करवाते? वैसे इसका एंड क्या है, मैं पूरी पढ़ नहीं पाई। बहुत सवाल पूछने लगी हो तुम, चलो जाओ यहाँ से। ओहो डैड, डोंट बी रिजेक्ट। आपको पता भी है, अगर ये पब्लिश हो गई ना तो आप ही फेमस होंगे और लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा आपको लेकर। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? मैं ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहता जो हो नहीं सकती है। पर पापा, एक बार पापा। सर, डायरी में लोग अक्सर अपने सीक्रेट्स लिखते हैं जो वो किसी से बताना नहीं चाहते। अगर ये डायरी हमें मिल जाती तो हो सकता है सुशील के केस में हमें कोई क्लू मिल जाता। वर्मा, डायरी का इस तरह से गायब होना ही अपने आप में एक क्लू है। बिना घर वालों को पता चले डायरी इस तरह से गायब नहीं हो सकती। सर, अगर सुशील इस डायरी को लेकर इतना सीक्रेटिव था तो ये भी तो हो सकता है कि कीर्ति उस डायरी को दोबारा ना पढ़ ले, इसलिए सुशील ने उसे कहीं छुपा दिया हो। सुशील के घर के सामने एक सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ। वंदना जी का कहना है कि सुशील बालकनी में घंटों बैठा करता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं सुशील ने ऐसा कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था? दो पहलू थे उसकी शख्सियत के, एक जिसे वो दुनिया को दिखाता था और दूसरा वो जिसे उसने खुद के भीतर छुपा कर रखा था। और बाहर किसी को खबर भी नहीं होती थी कि उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ था। अबे सुन, अगर आज खाली हाथ लौटा ना तो तेरी मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा, सुना ना? सर, सुशील के घर के सामने से हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें एक अजीब बात सामने आई। क्या अजीब बात सामने आई? यही कि सर, सुशील का किसी आदमी से झगड़ा हुआ था और ये सारी वारदात उस सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। वंदना जी, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें ये लड़का आपके घर के बाहर कम से कम 3 से 4 बार दिखा है। सर, ये तो तरुण है, हमारे सोसाइटी में रहता था अपने फैमिली के साथ। और ये तरुण आपके पति से किस बात पे झगड़ा कर रहा था? छिछोरा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं तुम्हारे लड़के को? मेरा बेटा है, मैं संभालूंगा उसे, तू जा अपना काम कर। अगर तूने अपने बेटे को संभाल के रखा होता ना तो मुझे यहाँ आज तेरे घर पे आके कंप्लेंट नहीं करनी पड़ती। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, अगर तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी को छेड़ने की कोशिश की ना तो क्या करेगा, क्या करेगा? वो मैं बोल के नहीं, सीधा करके बताऊंगा। तरुण के फादर डैड को ही धमकी दे रहे थे, कोई और रास्ता ना देखकर डैड ने पुलिस कंप्लेंट करवा दी। और आपने ये बात बताना हमें जरूरी नहीं समझा? ये 6 महीने पुरानी बात है, मुझे तो खुद याद नहीं था, तो आपको क्या बताती? और ऊपर से तरुण के फैमिली पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो लोग शिफ्ट हो गए थे, तो इसीलिए मुझे और भी याद नहीं रहा। कब देगा पैसे मेरे? दे दूंगा भाई, जल्दी दे दूंगा। पिछले 1 महीने से तेरी यही राम कहानी सुन रहा हूं, जल्दी दे दूंगा मेरे भाई। ए, क्या हो रहा है? रुको रुको, क्या हो रहा है? पता नहीं साहब, मैं तो जाते हुए टकरा गया था, वो तो मुझे मारने ही लग गए। तरुण अब हमारे साथ नहीं रहता, हमें बर्बाद करके वो कहीं भाग गया है। तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, वारंट तो होगा ना आपके पास? नहीं है ना, तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। पहले भी आपने तरुण के चक्कर में मुझे बहुत परेशान किया है, मैं बोर नहीं झेल सकता। तो अब तो कोऑपरेट कर दो आप, मामला बहुत संगीन है,
मर्डर है। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मर्डर? किसका मर्डर? सुशील सहगल का, जिसने तुम्हारे बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। बहुत ही बढ़िया खबर दी आपने दरोगा साहब, आखिर उसको अपनी टक्कर का आदमी मिल ही गया। इतनी खुशी कि सुशील की मौत पे कहके लगा रहे, कहीं वो टक्कर का आदमी है तो ये तो नहीं है। अगर मुझे करना होता ना तो कुछ और ही बात होती। मैं 6 महीने इंतजार नहीं करता। और तरुण, उसका क्या? तरुण का कोई भरोसा नहीं, एक बार उसके दिमाग में गुस्सा चढ़ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तरुण के मामले में जबरदस्ती नाक घुसेड़ रहे थे सुशील जी, उनको अपना घर तक बेचना पड़ गया था सर। थाना कचहरी वो हुआ अलग, तो मोटिव तो था सर, ये तरुण के पास भी और उसके बाप के पास भी। तरुण के बाप पे नजर रखो, तरुण की फोटो सर्कुलेट करवाओ, जैसे कोई लीड मिले थाने लगाओ। और सर एक बात, ये सुशील के घर के सामने जो CCTV कैमरा था उसकी फुटेज को हमारे कांस्टेबल ने डिटेल में खंगाला, कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है सर। क्या सस्पिशियस? मैं दिखाता हूँ सर आप। ये गाड़ी हर मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ सामने से आती जाती है और 1 घंटे बाद वापस भी जाती है। तुम यहाँ ड्यूटी देते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी इस गाड़ी पे नजर ना पड़ी हो। सच कह रहे हैं साहब, इस गाड़ी की ओर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। श्याम हो, हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस झूठ को हम साबित नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर साबित कर सकता हूँ, वो भी 2 मिनट में। वो क्या साहब? वो ये कि CCTV की तार तुमने काटी थी ताकि सुशील का मर्डर आसानी से कर सको। ये क्या कह रहे हैं साहब, भला सुशील साहब का मर्डर मैं क्यों करूंगा? हमें पता है श्यामू तू झूठ बोल रहा है इस गाड़ी के बारे में। सीधी तरह से बता देना कि तुम्हारी गर्दन छोड़कर किसकी गर्दन पकड़नी है हमें। साहब, इस आदमी को तो मैंने कभी देखा नहीं, पर ये गाड़ी लेके ना वो ट्विंकल मैम साहब है ना, उनके घर की तरफ जाता है साहब। हाँ साहब, इतना ही पता है मुझे। तो आपको क्या लेना देना कि मेरे घर में कौन आता है या कौन नहीं? हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका वो दोस्त आखिरी बार मंगलवार को दोपहर को आया और शाम तक रुका। जनरली वो 1 घंटे बाद आपके घर से चला जाया करता था, लेकिन उस दिन तो आपको याद होगा ना, उस दिन सामने यहाँ मर्डर हुआ था सुशील सहगल का, उस दिन आपका दोस्त आपके घर पे दोपहर को आया और शाम तक रुका। हाँ, तो इसलिए तो रुका था, मैं घर पे अकेली थी और बहुत डर गई थी, मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, तो मेरे को संभालने के लिए रुका था वो शाम तक, और कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, आखिर ऐसे में दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं। लेकिन आपका ये दोस्त अगले दिन शुक्रवार को नहीं आया आपके हालचाल पूछने के लिए? खैर, घबराइए नहीं, ये हम आपके दोस्त से पूछ लेंगे, आप बस उसका नाम और पता हमें बता दीजिए। जिस केस की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि सुशील का कोई दोस्त ही नहीं था, उस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सुशील के दुश्मनों के नाम की लिस्ट बड़ी होती जा रही थी। सुशील से जुड़े लोगों के राज सामने आ रहे थे, उनकी दोहरी जिंदगियों का खुलासा हो रहा था, कुछ वैसे ही जैसे खुद सुशील की दोहरी जिंदगी पुलिस के सामने आ रही थी। इन लोगों से सुशील के झगड़े हुए थे, उनकी लड़ाइयां हुई थी, क्योंकि सुशील उनकी जिंदगी में दखल दे रहा था और इन लोगों को उसका ये दखल देना रास नहीं आ रहा था। कहीं ये दखल ही सुशील के मौत का कारण नहीं था, या वजह कुछ और थी जो कई ज्यादा घिनौनी, कई ज्यादा विकृत थी। कहते तो यहाँ तू तो सो गई थी ना? सॉरी माँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया आपके प्राइवेट टाइम में। तू जानती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। चॉइस तो थी आपके पास मॉम, हमेशा से थी, आप पर अब नहीं है। हम आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको कोई बात का रिग्रेट नहीं है, आप तो खुश हो। चुप!
जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ जाओ। आई हेट यू मॉम। मेरा नाम चंदू है सर, और मैंने मर्डर किया है अपने बाप का, इसी गन से सर। सरेंडर करना चाहता हूँ सर। पकड़ इसका, लेके जा। चेक करो। यस सर। ये रख ले, अंदर रख ले। सर सर, इसका लड़का चंदू छोटी मोटी चोरियां किया करता था, और हमें काफी समय से उसकी तलाश भी थी, और देखिए आज खुद ही चल के थाने आ गया। एक काम करो, ये लड़के से जो गन बरामद हुई है इसे बैलिस्टिक के लिए भेज दो। ये तो कंफर्म है कि लड़के ने ही अपने बाप को मारा है, पर क्यों मारा है ये कुछ कंफर्म नहीं हो पा। सर सर, तरुण वाला केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और वो पिछली 2 तारीखों से कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। सर्च जारी रखो उसकी। ओके सर। सर, सुशील, उसकी बीवी वंदना और उसकी बेटी कीर्ति, इन तीनों के फोन और बैंक रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। मैंने चेक किया है, तीनों क्लीन है सर। अगर हाँ सर, ये सुशील का मोबाइल लैब ने अनलॉक किया है सर। इसमें एक वीडियो फुटेज सामने आया सर। प्ले करो। ये तो किसी लड़का लड़की का वीडियो है, सुशील के मोबाइल में क्या कर रहा है? सर, ये लड़की की पहचान तो नहीं हो पाई है, मगर ये जो आदमी है इसकी पहचान हो गई है सर। सर, ये खरड़ थाने का हिस्ट्री शीटर है, किसी अनजान आदमी ने यही फुटेज खरड़ थाने में ड्रॉप की, और पुलिस ने उसी आधार पर उसे अरेस्ट किया है। वो अनजान आदमी कोई और नहीं, सुशील ही था। हो सकता है सर, पुलिस ने स्यो मोटो एक्शन के आधार पर उसे अरेस्ट किया है। सर, ये आदमी अभी भी जेल में ही है। रोजी रोटी है साईं मेरी ये। वो उस दिन भी लड़की को चेक करने के लिए लेकर गया था कि दंत में फिट हो जाएगी या नहीं, तभी वो आदमी आ गया और बवाल कर दिया। मैं तो भाग गया था सर, वो तो बाद में पुलिस घर आकर उठाकर लेके गए मुझे। बवाल कर दिया? एक लड़की को धंधे में उतारने जा रहा था और बवाल कर दिया? नहीं सर, उसकी माँ ने 1 लाख रुपए में बेचा था मुझे। ओ, तो ये मसला है। 1 लाख रुपए भी गए, जेल भी जाना पड़ा, वो भी उस आदमी की वजह से। गुस्सा निकालने के लिए तूने उस आदमी को ही मार डाला? नहीं सर, उसका मर्डर तो 4 दिन पहले हुआ है। मैं तो 15 दिन से जेल में हूँ सर, तो मैं कैसे मारूंगा उसे? सुपारी देके, जिस लाइन में तू है ऐसे लोगों से तो यारी दोस्ती रहती ही है। अरे नहीं सर, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, जो 1 लाख था वो भी डूब गया, और आप सुपारी देने की बात करते हो सर। मैं वैसे भी, मेरा जेल में आना जाना लगा रहता है सर, इस केस से भी बाहर निकल जाता 2-4 दिन में, तो 302 के केस में फंस कर क्यों जिंदगी खराब करूंगा सर। और मैं सुशील की जिंदगी में दोस्त तो एक भी नहीं था, दुश्मनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। ताजुब की बात है, ये बात ना तो वंदना जी ने हमें कभी बताई, और ना ही सुशील की बेटी कीर्ति ने। वेरी स्ट्रेंज सर, ये वंदना और सुशील ये बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के थे। जहां सुशील बड़ा ही रिजर्व नेचर का था, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, वहीं ये वंदना काफी लोगों से दोस्ती थी सर इसकी। हम छानबीन कर रहे हैं, हो सकता है सर इन दोस्तों में से ही सुशील का कोई दुश्मन बन गया। सर, बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन गुड्डू से कांटेक्ट हो गया है। सब जानते तो हैं हम इस कार में आने वाले आदमी को, पर अगर इसे पता चला कि हमने कुछ बोला है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। यही आदमी है ना जिसके कहने पे तूने सीसीटीवी के वायर काटे थे, ताकि ये बिल्डिंग में आते जाते ना दिखे। अब बता कौन है ये आदमी, नहीं तो थाने ले जाके उल्टी करवाऊंगा। सब बताता हूँ, सब वो ना। इंस्पेक्टर, प्राइवेट मैटर का मतलब तो समझते हो ना, हम किसी प्राइवेट काम से जाते थे वहां, और वो प्राइवेट मैटर क्या है तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते।
इस सुशील को भी हर किसी के प्राइवेट मैटर में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसने आपके प्राइवेट मैटर में टांग अड़ा दी थी जिस वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? तुम्हें पता है ना किससे बात कर रहे हो? जन प्रतिनिधि से बात करने के प्रोटोकॉल होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यह भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर आपका यह प्राइवेट मैटर पब्लिक हो गया तो आपकी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा। सबूत है तो बोलो इंस्पेक्टर, वरना निकलो यहां से। ठीक है नेताजी, अगली बार मिलेंगे तो सबूत के साथ। हेलो, क्या बताया पुलिस को तूने? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बोला। किसी को कुछ बोलना भी नहीं मेरे बारे में, और मेरा नाम आना भी नहीं चाहिए। अगर मेरा नाम लिया तो याद रखना मैं लोगों को पालना जानता हूँ तो उन्हें निपटाना भी जानता हूँ, ये तू अच्छी तरह जानती है। सर ये चंदू के गन की रिपोर्ट। वर्मा, सुशील को जो गोली लगी थी और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट, ये दोनों गोलियां मैच करती हैं। सॉरी सर, मैं बताना भूल गया था कि सीसीटीवी फुटेज में चंदू को बाइक चोरी करते हुए देखा था, उसके बाद सुशील उस पर बहुत चिल्लाया। और सिंह ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कितनी बार मैंने कहा है कि इस केस के लिए छोटी से छोटी जानकारी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैंने अपने बाप को मारा, मैं मानता हूं सर, पर अगर मैं उसे नहीं मारता वो मुझे मार देता सर किसी दिन, पर मैंने किसी और का खून नहीं किया सर। तो तेरे पास वो गन कहां से आई जिससे सुशील का मर्डर हुआ? सर वो मुझे पड़ी हुई मिली थी सर। पड़ी मिली थी? पागल समझता हमें? सीधी तरह से बता कहां से खरीदी थी गन। बट सर मुझे खाने के लिए चोरी करनी पड़ती है सर, गन कैसे खरीदूंगा मैं सर? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वहां पे चोरी करने गया था, वहां मुझे गन पड़ी हुई मिली थी सर दीवार के पीछे। आए सर, यही मिली थी सर, यहीं पे। हाँ पक्का यहीं मिली थी? यहाँ चल देखो। यस सर। इसको डाल अंदर। सुशील का घर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और वो बाइकर भी इधर ही आया था, हो सकता है उसने गन यहीं डंप की हो। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी घरवाले हैं, उन सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर वो गन को तो हम ट्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन सर हमने ये सुशील जहाँ काम करता था वहाँ से इसका जॉब प्रोफाइल निकलवाया है। सर इस बंदे ने पिछले 10 साल में 14 बार जॉब चेंज किए, और सर एक बात, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है शेयर मार्केट में। और सर दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इसका मर्डर हुआ है उससे एक दिन पहले यानी मंडे को इसने 10 लाख के शेयर बेचे हैं। 10 लाख? सर आप यहाँ? आपसे कुछ बात करनी थी वंदना जी। हाँ आइए ना। वंदना जी, आपके पति सुशील के ऑफिस रिकॉर्ड से हमें पता लगा है कि मर्डर से एक दिन पहले उसने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए के शेयर बेचे, क्या आप जानती हैं इस बारे में? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और सुशील इतने सारे पैसे क्यों निकालेंगे? क्या हुआ माँ? कौन से पैसे? बेटा वो। बेटा आपके पापा ने मर्डर से एक दिन पहले शेयर मार्केट में अपने 10 लाख रुपए के शेयर बेचे थे, क्या आपको कुछ बताया था उन्होंने? वंदना जी ये पैसे सुशील के अकाउंट में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, कहाँ जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये 10 लाख रुपए ही सुशील की मौत का कारण बने हो? क्या पैसों की वजह से सुशील की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा वगैरह था? कोई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन डैड ने बताया था कि उन्होंने ऑफिस में किसी को 50,000 रुपए दिए, किसी अंकुर नाम के आदमी को। हाँ सर,
पैसों का लेन देन तो मेरे और सुशील के बीच में चलता ही रहता था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ सर। और वो 10 लाख रुपए वाली बात? सर 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, अगर उसको लेकर सुशील का ऑफिस में कुछ चल रहा होता तो मुझे जरूर पता होता सर। ठीक है जी। Excuse me. अभी कुछ देर पहले तुम अपने बॉस की विधवा बीवी के घर पे थे ना? मैं तो बस सांत्वना देने गया था। सांत्वना देने गए थे? वो भी तब जब घर पे कोई नहीं था। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वो तो मेरी आंटी जैसी हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कुछ। वो हम पता कर लें। Do your work. हमने आपके फोन की मैपिंग की तो कुछ चैट सामने आए, सुशील के एम्प्लॉय जीत के साथ। अब आप बताएंगी सच क्या है? मैं खुश नहीं थी अपनी शादी से। सुशील का किसी चीज में मन ही नहीं लगता था, ना पार्टी ना कोई फन, कुछ भी नहीं बचा था हमारी शादी में। तभी मैं ऑनलाइन चैटिंग रूम जाने लगी और वहीं पर मुझे जीत मिला था। मैंने मॉम को मना किया था। This was not right. मुझे क्या पता था कीर्ति कि जीत ऐसा निकलेगा। मैं तो बस दोस्त समझकर बात करती थी, पर जिस दिन जीत को पता चला कि सुशील मेरा पति है, उसको मैं क्या किया जीत ने? उसने मम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। कह रहा था कि अगर मॉम ने उसको फेवर नहीं किया तो वो इस सारी चैटिंग डैड को दिखा देगा और वायरल भी कर देगा। वंदना जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको हमारे पास आना चाहिए था। हो सकता है जो बात आपने सुशील से छुपाई वही बात उसकी मौत का कारण बनी है। वो सुशील सर के साथ खुश नहीं है और बस होड़ तो मुझे वो लगती थी, इसलिए बस मैंने उसको ट्रैप किया सर उसके मजे लेने के लिए। अबे क्या सेक्सी लग रही है यार ये, कहां सुशील जैसे बोरिंग आदमी के साथ फंस गई। अगर काश ये मेरे को मिल जाती ना, इसकी हर जरूरतें पूरी कर देता मैं। और सर एक बार वो मेरे जाल में फंस गई तो सर मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया सर उसके मजे लेने के लिए। और जब ये बात सुशील को पता चली उसने एतराज किया होगा, तुझे धमकी दी होगी, इसीलिए तूने सुशील को रास्ते से हटा दिया, यही है ना? नहीं सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। और मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर सर मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और मेरे पास तो सबूत है सर। कैसा सबूत? ये कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। आप मनोज से पूछ लो, मैं उसके मामा के लड़के की शादी में गया था सर उसके साथ मर्डर से दो दिन पहले, और एक सप्ताह बाद वापिस आया था सर। सर हमें एक न्यूज मिली है। हंस क्यों रहा है? 22 साल का हूं मैं, शर्म आती है इसलिए लड़कियों से बात नहीं कर पाता, लेकिन हाँ उनकी फोटो खींचकर बड़ा खुश हो जाता था मैं। मगर जब उससे उस सुशील ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है ना लड़की छेड़ने की, घर तो छोड़ना ही पड़ा, नए घर से भी निकाल दिया बाप ने। कोई मुझे नौकरी नहीं देता, और अगर किसी ने दे भी दी गलती से तो निकाल देता है केस का नाम सुनते ही। जिंदगी नरक बना दी थी उस सुशील ने मेरी। तो इसलिए मार दिया सुशील को? कहाँ मार दिया साहब, मैं तो खुद को मारने में इतना बिजी था कि दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि हाँ मैं उसको मार दूँ। अगर मार दिया होता ना साहब तो आज शायद सुकून मिल जाता मुझे कि हाँ मैंने अपना बदला ले लिया उससे, मगर अब तो वो भी नहीं हो सकता साहब। चला।
सर मेंटल लगता है मुझे, ये मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है इसकी। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है इसकी। सुशील को मारने की इसने सुपारी दी होगी, लगता नहीं। सुशील को मारकर और ये तेजी से बाइक भगा के लेके गया होगा, इसके बस की बात नहीं। फिर भी पता करो सुशील के मर्डर के टाइम पे ये था कहां पर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, गन बेचने वाले ने गन खरीदने वाले की पहचान कर ली है, मगर वो चंदू नहीं है सर। तो फिर कौन? अरे सब 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 क्या ढूंढ रहे हो, अंदर कैसे घुस रहे हो साहब? ठंड रहते, ठंड है, अभी बता देते हैं तेरे को। सर ये देखिए पैसे और डेरी। अम्मा बीमार थी हमारी साहब, बहन की शादी भी करनी थी और पैसा एक नहीं था साहब हमारी जेब में। इसलिए तूने पैसे के लिए सुशील को मार दिया? किसके कहने पे मारा, किसने दिए थे पैसे? सुशील साहब ने खुद पैसे दिए थे साहब। सुशील खुद को मारने के पैसे क्यों देगा? सुशील साहब ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे उन पर गोली दागने के लिए। साहब अम्मा मर जाएंगे हमारी अगर उनका इलाज ना हुआ तो। साहब बस 10,000 रुपए दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा साहब, कुछ भी करूंगा साहब, पैसे दे दीजिए। कुछ भी? फिर क्या किया तूने? मैं नहीं मारना चाहता था साहब उनको, पर मेरे पास कोई और दूसरा तरीका भी नहीं था पैसा कमाने का। साहब आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप सुशील साहब की डायरी पढ़ लीजिए साहब, उसमें सुशील साहब सब लिखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सर अपने करियर में मैं पहला ऐसा केस देख रहा हूँ जिसमें मरने वाले ने खुद अपनी सुपारी दी है। वेरी स्ट्रेंज सर। तुमने कहा था पिछले 10 सालों में सुशील ने 14 जॉब्स बदली। इतना डिसिप्लिन्ड आदमी अपने करियर को लेके केयरलेस कैसे हो सकता है? कुछ तो एंगल हमसे मिस हुआ है वर्मा, चेक करो। सर सर हमने घर और ऑफिस में पता किया है सर। सर वर्मा, गुड्डू ने हमसे कहा था कि आगे की बात जो भी तुमने देखनी है सुशील की डायरी में देख लो, उसने सब कुछ लिखा हुआ है। ये बात गुड्डू को कैसे मालूम? उसने अपनी स्टेटमेंट में सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगाया हुआ था, वो अनपढ़ है। और एक बात, 7 लाख रुपयों का हिसाब इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। पता करना होगा कि वो 7 लाख रुपए हैं कहां पर। ऐसा लग रहा है जिस डायरी को सुशील के केस का सुसाइड नोट बनाया जा रहा था, ये डायरी ही सुशील के केस का मर्डर वेपन है। गुड्डू डायरी पढ़ी थी तू? क्या बोला था? तूने डायरी पढ़ी थी? बाद में हमें रियलाइज हुआ कि तू तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो डायरी कैसे पढ़ ली तू? सच सच बता। सब वो ना मुझे कमाल है, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। हम तो आपके लिखी स्क्रिप्ट को सच मानकर इस केस को बंद ही करने जा रहे थे, तभी हमें यह रियलाइज हुआ कि आपके पास तो सुशील को मारने का मोटिव भी था। और यही नहीं, आपको यह बात भी अच्छी तरह से मालूम थी के गार्ड गुड्डू को पैसों की सख्त जरूरत थी। Am I right, वंदना जी? मैम साहब हमारी अम्मा मर जाएंगे अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो। बस हमको 10,000 रुपए दे दीजिए, अब कुछ भी कहेंगे हम करेंगे, बस पैसे दे दीजिए मैम साहब।
कुछ भी। मैंने सुशील को धोखे से एफडी के नाम पर उसके शेयर बेचने के पेपर पर साइन करा लिया था और मैंने शेयर बेच दिए और गुड्डू को पैसे दे दिए और गुड्डू ने पैसे मिलते ही। आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया था जिसकी वजह से अपने पति सुशील से आप छुटकारा पाना चाहती थी? सुशील से छुटकारा पाने के लिए मैं किसी और का अपने जिंदगी में आने का इंतजार क्यों करती सर? अगर कोई आ भी जाता तो सुशील के वजह से मैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाती। ऐसा क्या किया था सुशील? बहुत मजा आया आज पार्टी में, तुमको आना चाहिए था। तुम्हें लेने थे ना मजे पार्टी में जाके, तो ले आई तुम, अब मुझे क्यों सुना रही? और वैसे अपने घर वालों के सामने बुराई तो बहुत की होगी मेरी, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, बोरिंग है, पार्टियों में नहीं जाता, सही बोल रहा हूँ मैं? मैं क्यों ऐसा कहूंगी? क्यों, कुछ किया है क्या ऐसा आपने? क्यों बोल, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मैं। जब तक अपने घर वालों के सामने मेरी बुराई नहीं कर लोगी तब तक महान तो बनोगी नहीं तुम। तो कर ली बुराई, बन गई महान। क्या बोल रहे हो, मैं क्यों कहूंगी ऐसा? क्यों करूंगी सुशील, तुम मेरे ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए मैं खुद के लिए खड़ी हुई, इंसाफ किया और मार दिया उस हैवान को, छुटकारा पा ली उससे। क्या मिला इससे आपको, उस हैवान को मारकर? हाँ, उस हैवान की गुलामी से छुटकारा जरूर मिल गया, आजादी जरूर मिल गई आपको, लेकिन देखिए ना आप कहाँ आ गए। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी अब आपकी। दुनिया के सामने बेहद ही बोरिंग जिंदगी जीने वाला सुशील असल में अपने बेडरूम की चार दीवारों में किसी जानवर से कम नहीं था। सुशील ने दूसरों की गलतियों को सनक की हद तक जाकर सही करने का जिम्मा उठा रखा था, मगर अफसोस उसे अपनी गलतियां दिखती ही नहीं थी। दूसरी ओर सुशील की बीवी वंदना, सुशील के द्वारा की गई सालों की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ने उसके मन में इस बात को बैठा दिया था कि सुशील की सामाजिक इमेज के चलते कोई भी उसकी इस बात को नहीं मानेगा कि सुशील उसके साथ इतना बुरा बर्ताव भी करता होगा। सोचिए अगर वंदना ने बिना समाज की परवाह किए सुशील के खिलाफ आवाज उठाई होती, उसका सच सबके सामने लाने की कोशिश की होती, तो सुशील को कानून के हिसाब से सजा भी मिलती और वंदना खुद अपराधी बनकर जेल में जिंदगी बिताने को मजबूर ना होती। मेघा, मेघा, मेघा क्या हुआ? क्या हुआ? मेघा, मेघा, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे रेप हुए। ये क्या बोल रहे हैं मेघा? किसने किया है? इधर देखो, किसने किया? साहब, ये आपका बिल 300 रुपये। Yes. हाँ, मैं छुट्टा लेकर आता हूँ। हाँ साहब, आपका ऑर्डर बताइए। दो थाली, दो छाछ, टेबल नंबर दो। ये चार नंबर टेबल के ऑर्डर का क्या हुआ? बस हो गया, एक मिनट। अरे लौकर लौकर। मेघा रोटी दे।
विकास, काय बोलू मी, बॉयफ्रेंड हूँ तेरा। यार तेरे पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने, अभी आ रही है क्या? अभी नहीं, अभी लंच टाइम है, बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत काम है, थोड़ा रेस्ट करके मिलूं। यार तू हर बार बहाने मार देती है, और तेरे जीजू और बहन ने तुझे क्या नौकरानी बना दिया? कुछ भी बोल रहा है, अरे मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है और ये लोग मुझे पैसे भी देते हैं। अच्छा सुनना, मैं कल मिलने आती हूँ, प्रॉमिस। ठीक है, बाय। ओके बाय। बाटली बंद कर और खाना खा ले, थक गई है मैं, शाम को फिर जाना है। वो छोड़, पहले ये बता इतनी देरी क्यों हुई तेरे को? सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी या अय्याशी कर रही थी? उस कस्टमर के साथ जो बड़ी गाड़ी लेकर आया था, ढाबे पे तेरे ऊपर घूर रहा था, सच बता सो के आई ना उसके साथ तू? सुरेश, ये दारू पी के ना मेरे से बकवास मत कर तू। तेरे को जानता नहीं हूँ क्या मैं? तेरी औकात ना बराबर जानता हूँ मैं। जीजू, एक बार और हाथ लगाए ना तो तुम्हें मार दूंगी। जीजू मैं कह रही हूँ मार दूंगी। देख लूंगा तुझे। मुझे कुछ करना होगा। दामोदर भाऊ। हाँ मेघा बोलो। मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरी मदद करोगे? हाँ बोलना, क्या हुआ? अरे क्या हो गया साहब आज इस टाइम पे? शालिनी पे दोबारा हाथ मत उठाना वरना अंदर कर दूंगा तुझे। क्या बकवास कर रहे हो साहब, मैं क्यों शालिनी? जास्त नाटक करो नकोस, कर लेना। मुझे पता है क्या हुआ है। कौन बोला तुमको? राउदेत, आगे से ऐसा ना हो वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शालिनी, शालिनी! वो आटा खत्म हो गया था ना इसलिए लेट हो गया, नहीं तो जान से मार दूंगा। दोबारा मेरे खिलाफ कंप्लेन की ना दामोदर को, काट डालूंगा तुम दोनों को। चलो काम पे लगो। क्या खड़ा है, काम कर। हवा, हमें आपकी जरूरत है। तेरे पास काम नहीं था, तुझे ढाबा मैंने चलाने को दिया, तूने मुझे क्या सिला दिया? मेरी बेटी पे हाथ उठाता है तू? ये माता रे, कोई ऐसा नहीं किया तूने मुझ पे, तूने मुझे ढाबा चलाने इसीलिए दिया ताकि तू अपनी बेटी को मेरे से बांध सके। तेरे को एक सीधा साधा आदमी चाहिए था, मेरे जैसा। बाप नहीं है तू जो अपनी बेटियों से धंधा करवाता है? ये क्या चल है, क्या चल है? चल चल थाने, चल। रुको, इसको थाने नहीं, इसको तो हमारी जिंदगी से निकलना चाहिए। बाबा, मैं अब और इसके साथ नहीं रह सकती। इस आदमी को पहचान नहीं पाया बेटी, इस जानवर के गले में बांध दिया तेरे। मुझे इससे अब और कोई रिश्ता नहीं रखना है। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरा तलाक करवाऊंगा। सुन लिया तूने?
अब निकल, दोबारा शक्ल मत दिखाना, निकल। चल निकल चल। सारा कांड ना तेरी वजह से हुआ, तेरे को तो देखूं। ए चल चल चल। आज के केस में पेश है एक ऐसी कहानी जिसमें सुरेश शालिनी पर एक धंधे वाली होने का इल्जाम लगा रहा था, पर क्यों और क्या कारण था कि वो इतना श्योर था इस बात को लेकर। लेकिन शक की वजह से रिश्तों में प्यार की जगह भरने वाली कड़वाहट ने सिर्फ झगड़े, लड़ाइयां और क्लेश को जन्म दिया। नतीजा, सुरेश के परिवार ने ही उसे बाहर निकाल दिया। तो क्या इसका कोई भयंकर दुष्परिणाम सामने आने वाला था? सुरेश के बाद मुझे लगा नहीं था कि किसी से ऐसे जुड़ पाऊंगी। यकीन नहीं होता हम दोनों साथ में कितने खुश हैं। किसने सोचा था कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं? बीमारी की वजह से बीवी के मौत के बाद मुझे तुझ में अपना साथी दिखा है। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेघा को भी एक नई जिंदगी दी है। गजानन सेठ के यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब करके खुश है मेघा। चलो उसकी पढ़ाई किसी तो काम आई। सब ठीक हो जाएगा, ये आए ना, बस एक बार तुम्हारा तलाक हो जाए, मैं खुद आकर तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग समझते क्या हो मुझे? मेघा देख, मेरी बात सुन, शांत हो जा तू। हाथ मत लगा ताई मुझे। तुम लोगों ने मेरी बदकिस्मती का फायदा उठाया है, किसी को फिक्र नहीं है मेरी, सब अपना फायदा देख रहे हैं। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सब बता दूंगी। मेघा मेघा मेरी बात सुन, मेघा तू कल शाम से गायब है तुम्हारी बहन, ठीक है? मेघा का फोन नंबर और ये डिटेल्स वगैरह दे दीजिए। आखिरी बार कब देखा था आपने उसको? सर कल शाम को करीब 4 बजे वो किसी काम से बाहर गई थी, तो मैंने बोला था कि लौटते हुए कुछ राशन लेती आए, पर वो घर ही नहीं आई। फिर मैंने दुकानदार से बात की तो उसने भी बोला वो दुकान पर नहीं आई। सर उसका फ़ोन भी बंद है और अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेघा का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? नहीं सर। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी वगैरह? मेरा बड़ा दामाद सुरेश, वो शालिनी को बहुत मारता था, मेघा इसे बचाती थी तो मेघा से लड़ाई करता था, उसने तो मेघा को मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल शालिनी और सुरेश का डिवोर्स का चल रहा है। ये दामोदर सब जानता है, इसे पूछ सकते हैं। सर मेघा के कहने पर मैंने सुरेश को वार्निंग भी दी पर फिर भी वो नहीं सुधरा, इसीलिए इन्होंने उसे परिवार से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी वो दारू पीकर मेघा को बहुत परेशान करता था। ठीक है, हम मेघा की तलाश शुरू करते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। अभी आप लोग जा सकते। इस सुरेश को उठाओ और मेघा की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और मेघा का फोन बंद होने से पहले जो लास्ट लोकेशन थी वो लिखो और ये जो ढाबा है इस ढाबे के आसपास जितना भी सीसीटीवी फुटेज है चेक करो। भाई भाई लोचा हो गया, वो लड़की दो दिन से गायब है ना? जानता हूं भाई, आप तो सब जानते हो, फिर आप तो ये भी जानते होगे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, और कर भी क्या सकती है पुलिस भाई। लेकिन ये सब में अपन तो नहीं फंसेंगे ना? इन सब में अगर कोई फंसेगा तो वो बेवड़ा सुरेश है। सच में? अरे टेंशन बहुत लेता है यार तू, चला बियर पीते। अरे चल सर,
पड़ोसी ने बताया कि सुरेश ने कई दिनों से घर का किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। वैसे सुरेश हमेशा नशे में ही पड़ा रहता है। पड़ा होगा किसी दारू के अड्डे पर। सर, सर ढाबे के सामने एक रोड है, सर का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, सर एक कैब वाला आदमी, सर लगभग हर रोज ये ढाबे पे नजर रखे हुए है। वो नहीं है। पता लगा रहे हैं सर। थोड़ा जल्दी पता लगा। सर, सर मेगा के फोन की आखिरी लोकेशन सिल्नर के बाहर के आम की बगीचे की है, और पिछले कुछ महीनों से उनके कॉल डिटेल्स में कोई अनजान नंबर नहीं मिला। इस आम के बगीचे का डम डेटा निकल गया सर। आओ चलो देखते हैं। ये मेघा तो नहीं है? जी सर। बॉडी चेक करो सर। लगता है कि सुरेश या फिर उस टोपी वाले का काम है। वो ढाबे पर जो काम करता है गोपाल, वो भी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसका भी आगे पीछे चेक करो। रुकते बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मैं यहाँ कैसे आ गया? सारे शहर की गटरें छान मारी है हमने, तब जाके हाथ लगाया तू। बहुत शौक है ना गेम बजाने का, क्यों मारा मेगा को? मेगा मर गई? आयुष पर साहब, मैंने नहीं मारा उसको। इतनी ज्यादा पी लेता है कि धमकी देके मर्डर करके भूल जाता है। दी थी साहब धमकी, दी थी साहब। और क्या करता मैं साहब, उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी थी। मैं खुश था शालिनी के साथ, प्रकाश ने मुझे धावा भी दिया था चलाने के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे शालिनी की शादी के पहले की जिंदगी के बारे में पता चला। मतलब? मुझे बहुत देर से पता चला कि शादी से पहले शालिनी बहुत जगह पे मुंह मारा करती थी। सुरेश, अरे यार बड़ी जल्दी में हो। तुम्हारी बीवी के बारे में थोड़ी बात करनी थी। कौन है बेदू और क्या बात कर रही है? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात जान लो, तुम्हारी बीवी जो है ना, क्या बकवास कर रहा है तू? अरे कुछ बताया नहीं हो तो पहले हाइपर हो गया। तू जानता है शादी से पहले वो इतने मर्दों के साथ सोई है कि वो खुद भी नहीं जानती। लड़के उसे क्या बुलाते हैं मालूम है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस पर कोई भी आए सवार हो जाए। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पता था तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उस बस पर मैं भी सवार हो चुका हूं। सुनिए सुनिए। आप? मैं? हाँ, जरा मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं, ये आम चाहिए आपको? हाँ यही। जी वो आम आपको चाहिए था ना? सुनिए, अरे बाप रे, अरे यार उसने तुझ पे भी जादू तो ना किया ना? अरे ऐसी जी वो यार। अच्छा मुझे एक बात बता, उसके खास जगह पे एक बड़ा सा तिल है ना, है कि नहीं? है कि नहीं मुझे बता, मुझे मालूम है रे। ये जो गुस्सा है ना, ये उसके लिए बचा के रखना। Take care. मुझे तो लगा कोई की होगा साहब, गांव की नदी में शालिनी को नहाते हुए देख लिया होगा, या तो कोई तुक्का मार लिया होगा। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे लड़कों ने आके बोला कि शादी से पहले वो काफी लड़कों के साथ सोई थी, और कुछ के साथ तो शादी के बाद भी सोई। भाई साहब सुनो ना, ये एड्रेस बताओ ना जरा। ये आगे से राइट ले लो। मजे दे रही है ना शालू? क्या बोला? शालू मजे दे रही है ना? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या करें, वो कुछ है ही ऐसी।
और उन लोगों की बात पे तूने भरोसा कर लिया। अब ये सुनने के बाद कौन अपनी बीवी पर शक नहीं करेगा? कौन कौन था वो जिसने शालिनी के बारे में ये बताया? ना ना, नाम तो नहीं पता सर, लेकिन वो लोग पूरी यकीन के साथ कह रहे थे कि शालिनी कूल्ड है, खास करके वो टोपी वाला लड़का। अजनबियों के बात का भरोसा कर लिया? अरे नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको दामोदर के साथ, मेरे ही घर पे, मेरे ही बेड पर। फुकट में नहीं उसने कुछ किया सर, पूरी तरह वसूलाता है शालिनी को। वहां मेघा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करती थी और यहाँ शालिनी, दोनों बहनें एक जैसी थी। मेघा का भी बॉयफ्रेंड है? एक को तो मैं जानता हूं, बाकी कितने थे मुझे नहीं पता। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है, पता नहीं वो लोग कौन थे जिन्होंने सुरेश को भड़काया। सर ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद सुरेश के अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं था। और दामोदर के साथ? सर दामोदर के साथ मेरा रिश्ता सुरेश के जाने के बाद शुरू हुआ। सर जैसे ही शालिनी का तलाक हो जाएगा उसके बाद मैं उससे शादी करने वाला हूँ। सर मेघा इस बारे में जानती थी, बाबा को भी पता है। जी पता है। आपको मेघा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? नहीं तो? शालिनी ने भी यही कहा था, लेकिन ये बात वो जानती थी। सर वो मेघा ने 1.5 महीने पहले ही उससे रिश्ता खत्म कर लिया था, बस इसीलिए नहीं बताया। नाम क्या है उसके बॉयफ्रेंड? विकास, विकास सबनिस। इस विकास सबनिस का नंबर तो होगा। कुछ सही नहीं लग रहा, शालिनी कुछ छुपा रही है। क्या शालिनी वाकई में ऐसी है जैसी सुरेश बता रहा था, या फिर कोई उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? और अपना दामोदर, ये तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैं इसे पुलिस स्टेशन बुला के जरा इंक्वायरी करता हूँ। उस कैब वाले आदमी का क्या हुआ? सबने पता किया वो सिन्नर का नहीं है, इसलिए हम आसपास से गांव में पता कर रहे हैं। विकास को भी उठाओ, उसके पास डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। पता करो ब्रेकअप किसने और क्यों किया था। भाई अपना भागने का टाइम आ गया। सर मेघा की पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी हत्या रस्सी से गला दबा के की गई है। और सर एक चौंका देने वाली बात, सर मेघा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये मेघा का बॉयफ्रेंड विकास सबनिस वो कहा है? सर वो अभी तक फरार है, लेकिन उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। जल्द से जल्द पता लगा उसको। अब सवाल यह है कि क्या शालिनी को मेघा की प्रेगनेंसी के बारे में मालूम था, या उसने हमसे झूठ बोला? बेटी के मौत के बाद मैं क्या सुन रहा हूँ साहब, पहले उसका बॉयफ्रेंड था और वो प्रेग्नेंट। उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा था मुझे कुछ पता नहीं चला साहब। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में रहता हूँ, ये इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। शालिनी का दामोदर, शालिनी मुझे बहुत डर लग रहा है दामोदर, अगर सच्चाई पता चल गई सबको तो क्या? देखो हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमने अपने शादी के प्लान के बारे में बताया ना। देखो शेर के सर से मेरी बात हुई है, वो मेरे जवाब से संतुष्ट है, तो चिंता करना छोड़ दे। सर जिस रात मेघा का मर्डर हुआ सर उस आम के बगीचे में एक नंबर और एक्टिव था सर, लेकिन वो नंबर तब स्विच ऑफ आ रहा था सर। उसके ओनर को हमने ट्रेस कर लिया है, वो यही थाने में है। बुलाओ सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अतुल गांडेकर है। सर मैं सिन्नर में ही रहता हूँ। शिरडी के रास्ते पे एक आदमी मेरा मोबाइल छीन के भाग गया, मैंने बहुत कोशिश की पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाया मैं। सर मैंने शिरडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवा दी है।
शक्ल नहीं देख पाया उसकी? नहीं सर, कोशिश की लेकिन नहीं देख पाया सर मैं। ठीक है, फिलहाल आप जाइए लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा, हो सकता है मैं आपको दोबारा जरूरत पड़े। ठीक जी सर। मोबाइल फोन चोरी हुआ 12 मार्च को, यानी कि मेघा के मर्डर से ठीक 2 दिन पहले। यानी कि सब कुछ प्लान था सर। लगता तो ऐसे ही है। जरा इस अतुल की कुंडली निकल, उसका मोबाइल नंबर ट्रैक करो, हो सकता है कोई मदद मिले। ओके सर। तो सुनो, गोपाल का कुछ पता चला? सर गोपाल बिहार से है, उसकी फैमिली वहीं पे है। यहाँ पे काम की तलाश के लिए आया था और 1 साल से ढाबे पे काम कर रहा है। कुछ तो है इस गोपाल के बारे में। सर विकास सर दिशा है। सर मैं मेघा से प्यार करता था, आप समझ रहे ना, हमें लग्न करना रहो तो। फिर ब्रेकअप क्यों किया? वो सर हमारे बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए हम अलग हो गए थे। कैसी दिक्कत? सर वो मेघा के साथ कुछ गलत हुआ था, आप समझ रहे ना। क्या गलत हुआ था? उसका रेप हुआ था। रेप? किसने किया? वो जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी ना, उसके सेठ ने। आप समझ रहे हो ना सर? नहीं समझ रहा हूँ, समझ में आए वैसा सीधा सीधा बता। सर सुरेश के जाने के बाद दामोदर और शालिनी ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और दामोदर ने ही उसकी जॉब लगाई थी यहाँ पर सर। लेकिन वो जॉब में कुछ गड़बड़ थी, आप समझ रहे हो ना। क्या मतलब क्या? एक दिन मेघा घर जल्दी लौट आई थी और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने बताया था कि उसने ऑफिस में शरबत पिया था और फिर शरबत पीने के बाद वो सो गई थी। फिर जब वो सोकर उठी तभी भी उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो शालिनी को लगा कि गैस की प्रॉब्लम होगी, तो शालिनी ने उसे गैस की गोली दे दी। लेकिन सर कुछ दिनों बाद वो वापस ऑफिस से जब घर लौटी तभी भी उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, आप समझ रहे हैं ना सर। तो गैस हो जाती तो शरबत मत पिया करना। चल रुक जा, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ गैस की। दर्द पेट में नहीं हो रहा, नीचे हो रहा। पर मेघा वहां पे काम करती रही, लेकिन कुछ दिन बाद गजानन ने उसे फिर से एक बार शरबत दिया। गर्मी बहुत है, ये ठंडक देगा। थैंक यू। हेलो, ये क्या टाइम है क्या फोन करने का? बोल अभी। और बार बार करूंगा, क्या कर लेगी तू? कल टाइम पे आ जाना। तो तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की, हमारे पास क्यों नहीं है? मैंने शालिनी को बताया था, शालिनी ने मुझसे कहा कि वो दामोदर से इस बारे में बात करेगी, पर सर आप समझ रहे, 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मेघा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, तब जाके उसने मुझे ये सारी बातें बताई, आप समझ रहे हो ना। ताई मुझे बच्चा गिराने के लिए बोल रही हैं। हाँ तो सही तो कह रही है, गिराना पड़ेगा, समझ रही है ना तू? क्यों, बच्चे की क्या गलती है इन सब? अरे वीडी जाली का, तू तेको बच्चा रखना है, अबे पब्लिक क्या बोलेगी? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझ पे भरोसा करता है ना? कैसे भरोसा करूं मैं तेरे पे रे, 6 महीने से मुझे लटका के रखा है तूने, हाथ तक नहीं लगाने देती है। शादी के बाद और अब तू मुझे कह रही है कि तू अपने सेठ के साथ 3-4 बार सो के आई है? छी कैसी लड़की है रे तू। सो के नहीं आई हूं मैं उसके साथ, उसने मेरा रेप किया है, दोनों बातों में फर्क है, तुझे समझ में नहीं आता ये बेवकूफ?
तू। अच्छा समझ रहा हूँ, सो के तू आई है, बेवकूफ मैं। तो एक काम करते अपन ना, अभी ये बात खत्म कर देते और उसके साथ तेरा मेरा रिश्ता भी, आज से हमारा ब्रेकअप। विकास, विकास बात तो सुन। सर अभी आप ये मत कहना कि मैंने कुछ गलत किया है। सर आप समझ रहे ना, अभी चाहे बच्चा गजानन सेठ का हो या किसी भी और का, और वो मेघा की बहन शालिनी, उसका भी तो इमेज ऐसा ही है ना कि वो आधे गांव के साथ सो चुकी है। क्या बात है, तेरे संस्कारों को सैल्यूट करना चाहिए। उसके बाद भी मेघा से मिला था? नहीं सर, 1.5 महीना हो गया। शहर छोड़ के मत जा। इस महापुरुष की कुंडली भी निकलवाओ और गजानन के साथ साथ इसका डीएनए भी फिटेस के डीएनए से मैच करवा के देखो। और हमारे दामोदर भोईर साहब, अगर वो फ्री हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं, उनकी होने वाली पत्नी के साथ। ओके सर। मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए, तुम्हें पता था या नहीं कि मेघा प्रेग्नेंट थी? सर मुझे ऐसा लगा था, जब मेघा ने बताया उसको कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो तुम्हें शक नहीं हुआ कि गजानन उसके साथ कुछ गलत कर रहा है? सर मुझे शक हुआ था, मैंने दामोदर से इस बारे में बात भी की थी, क्योंकि मेघा की जॉब इसी ने वहाँ पर लगवाई थी। दामोदर मुझे बहुत डाउट हो रहा है उस गजानन पे, तुम क्यों लेकर गए मेघा को उसके पास? अरे मैं बहुत सालों से जानता हूँ उस गजानन को, कभी कोई लफड़ा नहीं किया उसने। अरे मी वेड़ा है का मेघा की जान खतरे में डाल दूंगा, ऐसा लगता है तुम्हें? देखो फिर भी मैं एक बार जाकर बात करता हूँ गजानन सेठ से, तुम परेशान मत। मैंने कई लोगों से पूछताछ की थी और गजानन का बैकग्राउंड चेक किया, पर मुझे कोई गड़बड़ नहीं मिली। मैंने ये बात शालिनी को भी बता दी थी और इसी वजह से हमने फैसला किया कि मेघा को वहाँ काम करने देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मेघा, मेघा क्या हुआ? मेघा, मेरा रेप किया था। सर उसके बाद मैंने दामोदर से फिर से इस बारे में बात की। मैंने तेरे भरोसे पे भरोसा किया था उस गजानन पे, और देख उसने क्या किया मेघा के साथ, इतने दिनों से उसका रेप कर रहा है। अरे उस गजानन ने मुझे भी बेवकूफ बनाया, मुझे मुझे माफ कर दो शालिनी। नहीं तू चल मेरे साथ थाने, हम उसकी कंप्लेंट लिखवाएंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, चल तू मेरे साथ। सुनो मेरी बात, एक बार सोच लो। क्या सोचना क्या इसमें? अब देखो कंप्लेंट होगी तो पुलिस छानबीन करेगी और रेप की बात बाहर आ जाएगी। अरे छोटा सा गांव है, अगर बात फैल गई ना तो मेघा बदनाम हो जाएगी। तो क्या फिर ऐसे ही जाने दो सर आमी को? नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, हम उससे मुंह बंद रखने के लिए भारी रकम मांगेंगे और उसी पैसों से हम मेघा की जिंदगी और अच्छी बना देंगे। सर दामोदर के कहने पे हम गजानन को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगे, मेघा के रेप वाली बात उसके खातिर ही किसी को नहीं बताई, पर जब मेघा प्रेग्नेंट हो गई तो उसी से उसके अबॉर्शन के पैसे लिए। लेकिन उससे पहले उसका अबॉर्शन करा पाते वो गायब हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, अपनी बहन की परेशानियों में से पैसे कमा लिया। ये वही बहन थी जो तुम्हारे लिए सुरेश के साथ लड़ गई थी। और तुम ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है तुमने, लोगों को न्याय दिलाने के लिए या उनको ब्लैकमेलर बनाने के लिए? सर मैंने तो बस दोनों बहनों की मदद की थी सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठेगी तुम्हारे खिलाफ, ले जाओ दोनों। चलो सर। सर ढाबे के बाहर जो वो कैप वाला आदमी था सर, उसका पता लग गया है। सर उसका नाम है राजन बाघ। सर लोकल ठग है, नेताओं के लिए उल्टे सीधे काम करता है। सर मेघा के लिए पागल था, उसे शादी करना चाहता था, मगर सर मेघा की बहन शालिनी इस शादी के खिलाफ थी। सर आजकल ये राजन अंडरग्राउंड है। ये आदमी मेघा का रेप या मर्डर कर सकता है। सर ये गजानन फरार हो गया है, सभी जगह ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिल रहा है। गजानन या राजन, इन दोनों में से ही किसी ने मेघा को मारा है। हो सकता है सर। वैसे एक और बात, मेघा के मर्डर के ठीक एक दिन पहले, मतलब कि 13 मार्च को रात में 2 बजे अतुल के चोरी हुए फोन से उसे एक रैंडम कॉल किया गया था। जरा वो नंबर मिला और स्पीकर पे डालो। एक मिनट। ये सर का दाबा, ऑर्डर बोलिए सर। हेलो सर, साहब हमने बताया ना आपको साहब, वो फोन हमारा नहीं है, वो तो ढाबे का फोन है साहब, उस पे ऑर्डर आते हैं साहब। ये देख, ये देख, ये मेरा फोन है सर, ये फोन
ये हमारे ढाबे के काउंटर पे रहता है। ये पहले सुरेश इस्तेमाल करता था, उसके बाद ये। इस नंबर पे 13 तारीख को रात के 2 बजे कॉल आया था, उसकी ड्यूरेशन थी 15 मिनट। अब ऐसे टाइम पे इतने लंबे टाइम तक कोई ऑर्डर तो नहीं लिखवा रहा होगा क्या? हाँ हाँ याद आया साहब, मैं रोज रात को यहाँ पे सोता हूँ साहब बाहर। उस दिन भी फोन बहुत बज रहा था, बहुत बज रहा था। हेलो हेलो, मेघा है क्या? मुझे से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। हाँ ठीक। दीदी दीदी आपके लिए फोन है। किसने किया था फोन? वो तो नहीं पता साहब, मैंने फोन लिया और दीदी के पास दे दिया और फिर रात के और सो गया साहब। सर ये देखिए। क्या गंदगी भर रखी मोबाइल में साहब? वो हमें ऐसे अश्लील वीडियो बनाने का शौक है साहब। हमने दामोदर का भी एक बार वीडियो बनाया था साहब पैसों के लिए। ये टोपी वाले राजन का वीडियो भी बनाया हुआ है साहब। हमें लगा था वो ढाबे के ऊपर बारीक नजर रखता है साहब, इसलिए हम मैंने उसका वीडियो बनाया और बाद में उससे पैसे भी लिए साहब। पैसे किस बात के दिए? ढाबे पे कौन आता है कौन जाता है, पुलिस आने के बाद में क्या बताती है, यह सब कुछ जानकारी उसको मैं देता था साहब। इधर आना। अब हमको एक जानकारी दे, ये राजन कहाँ है? ना सिर्फ तुम दोनों ने शालिनी के खिलाफ सुरेश को भड़काया बल्कि मेघा का भी खून किया। आयशपत सर, मैं मेघा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था सर। सर मैं उसे बहुत प्यार करता था। हाँ मैं गुस्सा था सर, मुझे बदला भी लेना था सर, क्योंकि सर वो शालिनी ने मेरा प्रपोजल मना किया था और सर शालिनी ने मुझे कहा था कि सर मैं गुंडा हूं, मैं कमीना हूं, मेरी कोई औकात नहीं है सर। और उसने सर प्रकाश और मेघा को मेरे खिलाफ भड़का दिया सर। वो प्रकाश ने मुझे पुलिस में जाने की धमकी दी, वो मेघा मुझसे बात करना उसने सर छोड़ दिया सर। मैं बहुत नाराज हो गया था सर। फिर मैंने एक बात सोची कि मैं शालिनी की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। फिर मैंने सर सुरेश को शालिनी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तुम्हारी बीवी जो है ना, क्या बकवास कर रहा है तू? तू जानता है शादी से पहले वो इतने मर्दों के साथ सोई है कि वो खुद भी नहीं जानती। और कुछ दिन बाद सर उनकी शादी टूट गई। मुझे इससे अब और कोई रिश्ता नहीं रखना है। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरा तलाक करवाऊंगा। अब निकल, दोबारा शक्ल मत दिखाना। उस दिन मैं सर बहुत खुश हुआ। उसके बाद तू गया मेघा के पास, जब उसने भी मना कर दिया उसका खून कर दिया। मैंने मेघा को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूं सर, आई शपथ सर, मैंने मेघा को नहीं मारा सर। हेलो, ओके सर, गजानन पकड़ा गया, ले चलो इन लोग। सर मेरी बात सुनो सर। साहब मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मत बता दो, मैं खुद बता दूं। साहब मैंने मेघा को ढाबे पर देखा था, जब भी देखा तभी मेरे को भाग गई वो सर। मैं पाना चाहता था उसे। मैंने को दामोदर मिला साहब ढाबे पे, मैंने उसको बोला कि उसको मेघा को मेरे पास नौकरी करने के लिए भेज दे। दामोदर ऐसा क्यों करता? कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता क्या वो? दामोदर ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं सर मेरे लिए। ऐसे उल्टा सीधा काम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना साहब। वो है पुलिस में, लेकिन वो मैं फुकट में नहीं करता था सर। बहुत सारे पैसे लेता था, बहुत सारे पैसे मैंने दिए उसको।
और इसके बाद उसके शरबत में नशे की गोलियां मिला के उसका रेप करना शुरू कर दिया तुमने। दामोदर को सब पता था साहब, मैं कहां कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं, कहां कर, सब जानता था। वो मेरे ऑफिस में भी आया था। अरे सेठ, ये आपने क्या कर दिया? मेघा को प्रॉब्लम हो रही है और शालिनी को शक हो गया है। देखिए आप अभी थोड़ा रुक जाओ। ठीक है यार, मैं समझ सकता हूँ, तो टेंशन मत ले, ये रख। लेकिन सुन, उसको ये भेजना वापस यार। लेकिन सेठ, बात वो नहीं है। ये ले यार, ले चल। ठीक है, पर आगे से थोड़ा ध्यान देना प्लीज। लेकिन अगली बार क्या हुआ पता नहीं साहब, मेघा बेहोश हुई नहीं। पैसा वैसा देके मैंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन ये दामोदर और शालिनी की लालच बढ़ती चली गई साहब। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेघा प्रेग्नेंट है और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हें इस बात में नजर आया कि मेघा को ही रास्ते से हटा दिया जाए? नहीं सर, मैंने मारा नहीं उसको। अब मैं क्यों मारता हूँ? और मारना भी चाहता तो तभी मारता जब मेरा खेल उल्टा पड़ गया साहब। मैं मानता हूँ सर, मतलब लड़की है, मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ साहब। मैंने खून नहीं किया, मैंने मारा नहीं उसको, मैं खूनी नहीं। मर्डर के शक में अंदर डालो इसे और रेप का चार्ज भी लगाओ। सर, ये बात कंफर्म हो गई थी कि मेघा के पास जो बच्चा था वो गजानन का था। असल सवाल अब भी बाकी था, आखिर वो कौन था जिसने मेघा को मारा? किसका फोन है ये? पता नहीं सर। फोन चालू किया था? किया था। शिर्के, अतुल को बुलवा लो। करने, स्टेटमेंट ले आए सर, स्टेटमेंट जरूर जाओ। सर यही फोन है मेरा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या प्रूफ है कि ये फोन आपका? सर आप गैलरी में देख सकते हैं सर, मेरे और मेरे परिवार के फोटो भी है उसमें सर। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि फोन आपका है। सर मेरे फोन में आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड होते हैं सर। रिकॉर्डेड मेरी वॉइस सुन लीजिए और चेक कर लीजिए। सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते? हाँ जी सर। सर मेरे फोन में आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड होते सर। रिकॉर्डेड मेरी वॉइस सुन लीजिए और चेक कर लीजिए। सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते? हाँ जी सर। ठीक है, फोन बाद में मिलेगा सर। लेकिन गाना बाद में मिलेगा, अभी आप जाइए। सर मैंने तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी यार मेघा, ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मेघा फोन मत काटना, समझ लिए ना मेरी बात? ये सब क्या बकवास है सर? सर ये मेरी आवाज हो ही नहीं सकती, ये मेरी आवाज है ही नहीं। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना? और अब ये मत कह देना कि मेघा के पेट में मेरा ही बच्चा था, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। मेघा तो मुझे छूने भी नहीं देती थी। पहले तो तूने अतुल का फोन चुराया, बाद में अपनी आवाज को अच्छे से बदला। आप जानते हैं आप कैसे पकड़े, समझ रहे हैं ना? तेरी और मेघा की सारी बातचीत इस फोन में रिकॉर्ड है, जिसमें उसने तुझे विकास कह के पुकारा और तूने जवाब भी दिया। सर मैं मेघा पे बहुत गुस्सा था, वो मुझे किस तक नहीं करने देती थी, बहुत दूर की बात थी। और न जाने वो अपने सेठ के साथ कितनी बार सोसो के आई थी। मैंने तो मेघा को छोड़ दिया था, लेकिन आप समझ रहे ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए फिर मैंने जिद पकड़ ली सर कि मुझे मेघा के साथ सोना ही है। हाँ मैं दे दूंगा ना। अगर मैं अपने फ़ोन से कॉल करता तो मैं पकड़ा जाता था, इसलिए फिर मैंने वो फ़ोन चोरी किया और फिर आधी रात को ढाबे के नंबर पे कॉल किया। हेलो मेघा है क्या? मुझे उससे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। दीदी आपके लिए फ़ोन है। मेघा मेरी बात सुन प्लीज़, फ़ोन मत काटना। मैंने तुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी यार मेघा। ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मेघा फोन मत काटना, समझ लिए ना मेरी बात? सब भूल जा विकास तू। मेघा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझे। और तुझे बच्चा गिराने की भी जरूरत नहीं है, तेरे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा मेघा, मेरी बात समझ रही है ना तू? सच कह रहा है? हाँ प्लीज एक बार मिल ले मुझसे प्लीज मेघा। कहाँ मिलना है विकास? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ताई और दामोदर मेरे अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, तू मेरी मदद कर प्लीज। मेघा मेघा मैं तुझसे शादी करने वाला हूँ, मैं तेरे बच्चे को अपना नाम दूंगा, तू मुझ पर भरोसा कर, मेरी बात समझ रही है ना मेघा? तुझ पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, तू कभी नहीं बदलेगा।
और तू जो बदल गई उसका क्या रे? हाँ, वो सेठ के साथ जाके सो गई, उसका बच्चा भी ले लिया अपने पेट में, अब मेरे साथ सोना तो नाटक कर रही है ना। फिर मैंने उसका फोन तोड़कर नाले में फेंक दिया और वो चोरी वाला फोन भी वहीं पर फेंक दिया। लेकिन आयशपत सब, मैं बहुत प्यार करता था मेघा से। मैं तो सब समझ रहा हूँ, लेकिन तेरी समझ में अब आएगा, ले जाओ। सर समझो ना सर। विकास ने कबूल किया कि उसका इरादा मेघा को मारने का नहीं था, लेकिन विकास की हैवानियत ही थी कि उसने आगे ये नहीं देखा कि उस समय मेघा को अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की जरूरत थी। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर किसी लड़की या औरत का किसी एक मर्द के साथ रिश्ता है तो वो सभी मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। आदमी बातें फैलाता है कि वो किसी लड़की के साथ रिश्ता बना चुका है, इस बात को वो अपनी शान समझता है। ये क्यों भूल जाता है कि लड़की ने रिश्ता बनाया क्योंकि वो बनाना चाहती थी, ना कि किसी ने उसे मजबूर किया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे रेप कहते। ऐसी ही मानसिकता की वजह से आज के जमाने में लोग अब प्यार करने से भी डरने लगे हैं, जबकि प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसमें इंसान अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित महसूस करता है बल्कि दूसरों की परवाह करना भी सीख जाता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।